देवप्रयाग संगम जो कि संगम स्थली है दो खूबसूरत नदियों की, एक है अलकनंदा नदी और दूसरी है भागीरथी नदी। यही दोनों नदियाँ मिलकर माँ गंगा का निर्माण करती हैं। मैं ट्रैवलिंग डाइटिशियन आइए आज आपको इस खूबसूरत देवप्रयाग के दर्शन कराती हूँ। तो हमारे सफर की शुरुआत हुई हरिद्वार में। खूबसूरत रास्ते, हरियाली, पहाड़, नदी, जिसे मैं कहूँ माँ गंगा के दर्शन करते हुए हम देहरादून रोड की तरफ निकल पड़े। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी माँ गंगा और साथ में हर की पौड़ी। हम इस वक्त हैं केबल ब्रिज पर। केबल ब्रिज से हमें हर की पौड़ी तो दिखाई देती ही है, साथ ही दिखाई देती है शिव जी की वो आइकॉनिक मूर्ति जो हरिद्वार की एक पहचान है। अभी जो आप मेरे लेफ्ट साइड देख रहे हैं, ये है राजा जी नेशनल पार्क जो हरिद्वार और देहरादून के बीच में है। बहुत सारे पर्यटक यहाँ पर भी आते हैं। यह एक टाइगर रिजर्व है और यहाँ पर दूसरे जानवर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप जंगल सफारी के शौकीन हैं, तो राजा जी नेशनल पार्क आपके लिए ही बना है। जैसे ही हम हरिद्वार देहरादून रोड से ऋषिकेश की तरफ बढ़ते हैं, शुरू हो जाते हैं खूबसूरत पहाड़ों के दर्शन। रास्ते में मैंने कार की विंडो से ऋषिकेश के फेमस लक्ष्मण झूला पुल को कैप्चर करने की भी कोशिश की है। शायद आप देख पा रहे होंगे, इस क्लिप को मैंने स्लो मोशन में चलाया आपके लिए। तो ऋषिकेश से होते हुए खूबसूरत पहाड़ी रास्ते से हम बढ़ चले देवप्रयाग को। यही रोड बद्रीनाथ की तरफ भी जाता है। ऋषिकेश न सिर्फ योगा और स्पिरिचुअलिटी बल्कि एडवेंचर स्पोर्ट्स और कैंपिंग के लिए भी उतना ही मशहूर है। तो जी पहुंच गए हम देवप्रयाग। यही लेफ्ट साइड गाड़ी पार्क करके हम धीरे धीरे अपनी डेस्टिनेशन को पैदल बढ़ते चले। हम विजिट करने जा रहे थे एक बहुत ही खूबसूरत व्यू जिसे हम लाइफ टाइम के लिए याद रखने वाले थे। आगे मेरे हस्बैंड, बेटा और मेरी लेट सासू माँ जा रही हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इस वीडियो के बहाने उनकी खूबसूरत यादें मेरे साथ हैं। और ये मेरी बेटी जो वीडियो में आना नहीं चाहती, इसलिए अपना फेस छुपा रही है। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद हम पहुंचे व्यू पॉइंट पे, जो कि है घाट। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो लेफ्ट साइड में नदी है जो बहुत ही धीमी गति से बह रही है, वह है अलकनंदा जो बद्रीनाथ से आ रही है। और जो राइट साइड ये नदी है जो बहुत ही वेग से बह रही है, ये है भागीरथी जो गंगोत्री से आती है। स्थानीय लोग इन दोनों नदियों को सास बहू भी कहते हैं। जहाँ पर सास है भागीरथी नदी जो बहुत ही वेग से चलती है, और अलकनंदा जो है वो बहू है जो बहुत ही शर्माती हुई धीरे धीरे चलती है। और यह संगम स्थल जो है, इसे देवप्रयाग कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि श्री राम जी ने रावण वध के बाद यहाँ पर यज्ञ करवाया था। ये जो घाट है, यहाँ पर मेरे हस्बैंड और बेटे ने नहाकर पूजा भी की। और जो यहाँ की खूबसूरती थी, उसका तो क्या ही कहना था। दोनों नदियों का रंग भी कुछ अलग ही था। जहाँ अलकनंदा नदी थोड़ी सी शांत और थोड़ी खूबसूरत दिख रही थी, वहीं छलछलाती हुई आवाज के साथ भागीरथी नदी भी बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। पानी बहुत ही ठंडा था, जैसा कि आप देख सकते हैं। मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड पानी में जाने से थोड़ा सा डर रहे हैं, लेकिन आखिरी में जाके थोड़ी देर बाद उनको वहां पे नहाने में बड़ा मजा आया। यहाँ
पे यात्रियों की सुरक्षा के लिए चेन्स भी लगाई गई हैं और पोल्स भी लगाए गए हैं, तो बहने का खतरा कम है। फिर भी मैं आपको यही सलाह दूंगी, जब बच्चों के साथ नहा रहे हैं तो उनका हाथ जरूर पकड़ के रखें। बहुत देर तक मैं यूं ही इस संगम में बहती नदियों को देखती रही, इस छल छल की आवाज में जैसे मैं मंत्र मुक्त ही हो गई थी। कितनी देर तक मैं यूं ही मंत्रमुग्ध सी देवप्रयाग संगम में बहती इस नदी को यूं देखती रही। मैं बीच में पलक तक झपकना भूल चुकी थी, इस खूबसूरती ने मुझे ऐसे बांध रखा था। उम्मीद है ये शॉट्स आपको भी बहुत ही पसंद आ रहे होंगे। वहां घाट पर माँ भागीरथी नदी के साथ मछलियां भी आकर पत्थर से टकरा रही थी और वो हमें ऊपरी सरफेस पर दिख रही थी। ये नज़ारा बहुत ही मनमोहक था। उधर घाट पर मेरे हस्बैंड भी पितरों के लिए कुछ पूजा कर रहे थे, क्योंकि माना जाता है श्री राम जी ने जब रावण का वध किया तो उन पर ब्राह्मण हत्या का दोष लगा, उन्होंने रावण के उद्धार के लिए वहाँ पर पूजा की थी। इन मछलियों को हमने कुछ केले के टुकड़े भी डाले और वो यकीन मानिए उनको ऐसे लपक के खुशी से खा रही थी, और मेरे बच्चों ने भी इस दृश्य को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। वहाँ से हटने का मन तो शायद किसी का भी नहीं था, पर क्या करें, वापस घर तो जाना ही था। जाने से पहले फिर एक बार मैंने इस संगम को वीडियो में कैप्चर करने की कोशिश की। सूरज की किरणें इस पानी पर पड़ रही थी और इसे और खूबसूरत बना रही थी। इस मनमोहक दृश्य को छोड़कर हम वापस अपने घर की ओर चले। रास्ते में एक ब्रिज होता है जो आपको क्रॉस करना पड़ता है, जिससे आप वापस पार्किंग एरिया पे पहुंच जाते हो। तो उसी ब्रिज से धीरे धीरे बढ़ते हुए मैं अपने परिवार के साथ लौट रही थी। आप देख सकते हैं मम्मी जी, जो अब हमारे बीच में नहीं है, बस उनकी ये खूबसूरत यादें हमारे साथ हैं। ब्रिज से मैंने फिर एक बार इस संगम स्थली को कैप्चर किया। यह वापसी के सनसेट के कुछ नज़ारे। तो कैसी लगी ये विजिट देवप्रयाग की, ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।